एक बार फिर से मेरे न्यूज टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि मधुबनी जिला समेत अन्य जिला को लेकर टोटल 109 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया, साथ में उनको गिरफ्तार भी किया गया है, वेतन रिकवर भी किया जा रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। आपको बता दें कि यह पत्र जारी हुआ है बिहार सरकार निगरानी विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका प्रेषक है पुलिस निरीक्षक जांचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा यह जारी किया गया है। मधुबनी जिला के द्वारा 4/10/2023 के डेट में प्रसंग है माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना का CWJC संख्या 15/459/2014 रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार सरकार तथा अनुसार निगरानी जांच के द्वारा फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की सूचना के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना CWJC 15/459/2014 रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार सरकार तदानुसार निगरानी जांच के द्वारा BA/8/15 के तहत नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग के द्वारा बिहार पटना के पटना बिहार द्वारा की जा रही है। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए फोल्डरों के जांच के क्रम में निम्न शिक्षिका का BTET अंक पत्र प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। फर्जी अंक प्रमाण पत्र पाए जाने के उपरांत उनके विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो आप देख सकते हैं इस लेटर को, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रखंड का नाम घोघड़िया 1 में है, 2 में लौकही है, 3 में लौकही है, 4 में लौकही है और 5 में भी लौकही है, और उसके बाद 6 में भी लौकही है, 7 में भी लौकही है और 8 में भी लौकही है और 9 में फुलपरास है और 10 में मधेपुर है। आपको बता दें यहाँ पर यह आपको दे रहा है 2006 में बहाली हुई है, 2014, 14, 14, 14 और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 2014, 2014, 2014, 2014 एवं मधेपुर का 2015 में टोटल यहाँ पर नाम के साथ लेटर निकला हुआ है। फोटोज भी आप देख सकते हैं कैसे शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया है और एक शिक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इन सभी शिक्षकों का BTET जो सर्टिफिकेट है अंक प्रमाण पत्र इसका फर्जी पाया गया है। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।